डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन उत्तराखंड गवर्नमेंट, मेरे फिल्म उद्योग से जुड़े हुए सभी सीनियर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, साथियों, मैं आप सब की तरफ से धामी साहब का इस चित्र नगरी में स्वागत करता हूं। बहुत शॉर्ट नोटिस पे मुझे बताया गया कि धामी साहब फिल्म नगरी के लोगों से मिलना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोगों के लिए, फिल्म उद्योग के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसे वातावरण की तैयारी में हैं जो न सिर्फ हमारे फिल्म उद्योग को आगे बढ़ाएगा बल्कि वहाँ की लोकल जो जनता है उनको कार्य मिलेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड का नाम देवभूमि भी है, वो सब धार्मिक स्थल, वो सब खूबसूरत जगहें जो अभी तक लोगों को लगता था कि सिर्फ बहुत दूर हैं और शायद हमारी शूटिंग और उसके लिए पॉसिबल ना हो, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ धामी साहब की उपस्थिति के बाद सब सरल हो जाएंगे। राहुल रवेल हमारे हमारे बीच में उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाली बहुत मशहूर और मारूफ हस्ती अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह भी हैं। अर्चना से आपके स्वागत है। सिनेमा की दुनिया जहाँ से चलती थी उस शहर में आप सबके बीच में जहाँ पर हमारे फिल्म जगत के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अपने समय के एक से एक मशहूर एक्टर और इस पूरे सेंसर को करने वाले उपस्थित हमारे सभी जैसे अरविंद जितेंद्र जी, मनमोहन सेट्टी जी, राहुल जी, रमेश तिवानी जी, आनंद जी, सचिन पंडित जी, विवेक अग्निहोत्री जी, शशि राजन जी, अर्चना पूरन सिंह जी, राहुल जी, रतन जैन जी, दीपक डोगरियाल जी, हिमानी सुरपुरी जी, वरुण बड़ोला जी, शशि जी जिन्होंने शशि जी और जिन्होंने आज इस बहुत ही कम समय में बहुत शॉर्ट नोटिस में इस मिलन का कि आप सब लोगों से मिलने के लिए ये संयोजन किया। मैं उनका आभारी भी हूँ कम समय में और उन सभी विशेष हस्तियों से, जितेंद्र जी बैठे हैं, अरविंद जी बैठे हैं, ऐसे अनेकों लोग रमेश जी से लेकर
जिनको हम लोग सिनेमा के पर्दे में देखते थे, और जितेंद्र जी को उनको देख कर मैं वैसे ही बहुत खुश हो गया, क्योंकि जब मैं छोटा था तो इनको हम लोग कहते थे सदाबहार हीरो। इनकी सब फिल्में जो है हिट होती थी उस समय, और क्योंकि अब तो खैर बहुत कम सिनेमा में जाकर मैं देख पाता हूँ या इतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन बचपन में मैं बहुत फिल्में देखते थे और बड़ा समय चुरा चुरा के देखते थे। तो आज आप सबका मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूँ। सबका मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोग आज यहाँ पर पधारे हैं। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से फिल्म जगत के, वेब सीरीज के, ओटीटी प्लेटफॉर्म और टेलीविजन से भी जो महानुभाव है, उन सभी का भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे श्री बंशीधर तिवारी जी, इन्होंने बहुत कम समय में, अभी बहुत ज़्यादा विस्तार से व्याख्या नहीं कर पाए क्योंकि समय कम था, लेकिन इन्होंने फिर भी सागर में, वो गागर में सागर भरने का काम है आप सबके समक्ष किया है। मुझे खुशी है कि फिल्म जगत सहित वेब सीरीज और टेलीविजन से जो प्रमुख प्रमुख लोग हैं, उन सभी से आज यहाँ पर मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी लोग, ज्यादातर लोग इसमें से उत्तराखंड आए होंगे या उत्तराखंड के बारे में जिन्होंने सुना होगा, तो उत्तराखंड अपने आप में एक देवभूमि है। और देवभूमि इसलिए कहते हैं कि उत्तराखंड में जहाँ चार धाम हैं, चार धाम बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री और ऋषिकेश हरिद्वार से लेकर अनेकों स्थान, और अभी अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आदि कैलाश से जौलीकॉम, जो लगभग 18,000 फुट से भी अधिक हाइट पर है, और वहां पर आदि कैलाश और पार्वती कुंड एक बहुत ही ऐसा स्थान है जिसको कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का निवास इस स्थान पर करते हैं। इन्होंने अभी आपको थोड़े से डेस्टिनेशन दिखाए हैं, यहाँ पे कितने होंगे, 5 10 डेस्टिनेशन दिखा दिए थे। नैनीताल इन्होंने नहीं बोला, नैनीताल नहीं बोला आपने, मुक्तेश्वर नहीं बोला, कौसानी नहीं बोला, मुंशियारी नहीं बोला, देहरादून, हरिद्वार, मसूरी, ऋषिकेश, चकराता, औली, चौकता, ये ऐसे स्थान हम अभी वो कह रहे हैं जहाँ पर अभी तक लोग आते हैं फिल्म की शूटिंग कर रही थी। अभी तो वहाँ बहुत दिनों रहे, इन्होंने तो पूरा अच्छा होता कि थोड़ा इनके अनुभव भी ले लेते हैं हम, जिन लोगों ने वहाँ पर काम किया है उनको कैसा लगा। तो मैं चाहूँगा कि मेरे बोलने के बाद अगर 5 आप भी बता देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा होगा कि आप बता देंगे सब लोगों को। तो आप क्योंकि जो लोग काम कर चुके होते हैं, अब मैं बोलूँ, बंशीधर जी बोले या कोई और बोले, तो ऐसा लगेगा कि हम जो है कहीं ज़्यादा तो नहीं बोल रहे, लेकिन आप बोलेंगे तो लगेगा कि ब्रांड एम्बेसडर बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम किया है। जब हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो इतने सारे डेस्टिनेशन हैं कि जिधर जाइए आप उधर ही आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा, आपकी जिधर नजर चली जाएगी उधर डेस्टिनेशन है। देखिए पर्वतों से आच्छादित है, पूरा पर्वतों से आच्छादित है, हिम की चोटियों से आच्छादित है, ग्लेशियर है, जगह जगह झरने हैं, और 71% पूरे हिंदुस्तान में उत्तराखंड ऐसा राज्य होगा जहां पर सबसे अधिक फॉरेस्ट है, पूरे राज्य का 71%, और 12 महीने बहने वाली नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, भागीरथी, अलकनंदा, पिंडर, गोमती, सरयू, सागा, महाकाली, अनेकों नदियां जो पूरे देश दुनिया को जहां स्वच्छ जल देने का काम करती, वहीं पूरे प्रकृति को, जहां तक भी उस प्रकृति की जोर जाती है,
वहां तक सब कुछ शुद्ध हवा देने का काम भी वहां से। अभी यहाँ हम लोग आते हैं जैसे बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं तो एक दिन में दो दिन में गला पकड़ लेता है, वहां का आपको नापेंगे तो देखिएगा हरिद्वार का, देहरादून का या हमारे वहां का एयर जो क्वालिटी है, एयर इंडेक्स, वो आपको देखिएगा तो उसका अंतर साफ साफ दिखाई देगा। कश्मीर में होती थी या हिमाचल में होती थी, अनेक दूसरे राज्यों में ज्यादा होती थी, लेकिन इन सालों में आप खुद देख रहे होंगे 170, 190, 180 ऐसी फिल्में लगातार दो तीन सालों में बनी। और जिस प्रकार से आज हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और मेरा आप सबके बीच में आने का हेतु ही है कि ना तो डेस्टिनेशन की कमी है, ना हमारे पास रहने की कमी है, अब अच्छे अच्छे होटल भी बन रहे हैं, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं बन रही हैं, और मुंबई से तो जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है वहां पर। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि पंतनगर के लिए नैनीताल, मुक्तेश्वर, पसानी या उससे आगे कहीं आपको शूटिंग करनी है तो वहां के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट है। देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार के लिए तो लगातार फ्लाइट है, लगातार बल्कि फ्लाइट भी इतनी बिजी है कि आज हमारे साथ सब लोगों को वापस जाना था तो कई लोगों को आज के टिकट ही नहीं मिल पाए। इससे भी हमारा जो पूरा उत्तराखंड वो बहुत ज्यादा दूरी थी, जैसे देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार तो आने वाले समय में दिल्ली से 2 से 2.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। हमारे यहाँ एक्सप्रेस वे बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रही है तो 2 घंटे का सफर होगा देहरादून से दिल्ली का, इतने कम समय में आप वहां से पहुंच जाएंगे। और ये मान के चलिए कि जो एनसीआर रीजन है उस एनसीआर रीजन का एक हिस्सा आप उत्तराखंड का ये पूरा हिस्सा मान लीजिए। उसके अलावा आपको जिम कॉर्बेट जाना हो, नैनीताल जाना हो या उसके आसपास मुक्तेश्वर जाना हो, ये भी 4-5 घंटे की ड्राइव पर है। वैसे हम अब पंतनगर का एयरपोर्ट चलाने वाले तो उसके चल जाने के बाद आपको इतनी आसानी हो जाएगी कि कोई समस्या नहीं है। उसके अलावा जहाँ देहरादून में आज दिन भर 35-36 से ज़्यादा 40 के लगभग सभी देश के बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट सेवा है, और आने वाले समय में हम पंतनगर का जो एयरपोर्ट है उसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंटरनेशनल बनाने जा रहे हैं, पर हमारा तेजी से काम चल रहा है तो ये काम हमारा हो जाएगा। रेल सेवाएं लगातार चल रही, रेल सेवाएं सब जगह से हैं, तो इस नाते बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड राज्य है उस उत्तराखंड राज्य से एक विशेष उनका प्रेम है, एक विशेष जुड़ाव है, जहाँ हमारे चारों धामों में जाने के लिए ऑल वेदर रोडें बन रही हैं और ऑल वेदर रोडों के कारण से हमारे यहाँ पर इस सीजन में आप लोगों ने बीच में सुना होगा कि साहब वहाँ आपदा आ रही है, वहाँ लैंडस्लाइड हो रहा है, वहाँ जमीन धस रही है या बर्फबारी हो गई है वहाँ। कुछ लोग अब मीडिया में हमारे मीडिया के भाई भी बहुत हैं यहाँ पर, उन्होंने ऐसा सब जगह उस समय ऐसी बात हो गई कि मुझे लोग पूछ रहे थे, अरे भाई एक मुख्यमंत्री जी मेरे साथी मेरे से पूछने लगे एक कार्यक्रम कि अरे वो तो जोशी मठ में तो पूरा का पूरा लगता है कि सब धस गया इतना, हिमानी जी तो आती रहती हूँ पीछे बैठी हैं तो वो बोले कि पूरा धस गया जी वहां से। तो मैंने कहा अरे कुछ नहीं धसा, आप आइए तो वहां। और आपको बताऊ कि जब अच्छा मुझे मीडिया वाले भाइयों का सहयोग लेकर मीडिया में उनसे अपील करनी पड़ती है लोगों से कि अभी मौसम खराब है, मौसम विभाग कह रहा है कि मौसम खराब है, इसलिए आप जब तक मौसम विभाग में गए कि मौसम ठीक होने वाला है तब तक आप जाते हैं। तो इतना आकर्षण लोगों का बड़ा है, एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए सड़कें बन गई है। पहले के समय में जो आए होंगे बहुत सारे आज में प्रातःकाल यहाँ नरीमन पॉइंट से लेकर उसके आसपास 4-5 किलोमीटर की पैदल सैर पर चला गया सके प्रातःकाल 6:30 बजे, तो बहुत लोग मिले मुझे। तो कुछ लोग बोले कि हम तो हर साल उत्तराखंड आते हैं, हर साल आते हैं। मैंने कहा अब आपने आधा उत्तराखंड देखा है,
अभी तक आप ये केवल आसपास जाते हैं, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, नैनीताल तक जाते हैं, आप उससे आगे का भी देखिए। जहाँ प्रधानमंत्री जी गए थे 12 अक्टूबर को, पूरी दुनिया ने वो स्थान देखा था। अब वहां तक जाने वालों के लिए अब अभी से वहां पर लोगों की बुकिंग आने लगी है और स्पिरिचुअल टच कर दी है, जो भारत का भी स्पिरिचुअल है। जहाँ लोग के लिए, अध्यात्म के लिए, शांति के लिए आते हैं और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं जो शांति की खोज में आज वहाँ आ रही है। मैं अभी आबू धाबी गया तो आबू धाबी के वहाँ के शेख से जब मैं मिलने गया तो शेख बोले, आइए आइए मैं वेलकम कर रहा हूँ आपका, आप भारत के उस राज्य से हैं जिसको स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो इस प्रकार की सोच लोगों में और इस प्रकार का मानना आज देश दुनिया के अंदर हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ तो आप लोग भी सभी लोग, एक तो जो लोग अब हाल के दिनों में उत्तराखंड नहीं आए हैं वो उत्तराखंड जरूर आइए, एक बार उत्तराखंड आइए, आप विजिट करिए। और 8 और 9 दिसंबर को हम एक बड़ी इन्वेस्टर ग्लोबल सबमिट कर रहे हैं, उस सबमिट में आप लोगों को निमंत्रण करने भी आया, इनवाइट करने आया कि आप आइए वहाँ एक बार देखिए, घूमिए और इस दिशा में जरूर सोचिए। तो यहाँ से अभी हमारे सूचना विभाग के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत विस्तार से बताया, और इसके साथ साथ ये भी हमारा आप सबके बीच में आने का उद्देश्य है। इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग आए हैं उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन आप सबके सुझाव भी अगर हमें मिलेंगे तो निश्चित रूप से हम उन सुझावों पर भी बात करेंगे। हम निवेशकों के बीच में, मैं लंदन में गया हूँ, बर्मिंघम में गया, अबू धाबी, दुबई, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, अनेक शहरों में गया हूँ और बहुत सारे उन समूह में से इंडस्ट्री के लीडर हैं, निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बहुत सुझाव दिए थे और हमने बहुत सारे नई पॉलिसीज भी बनाई हैं। उसमें से हम फिल्म पॉलिसी भी अब नए तरीके से बना रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि इसमें और कुछ काम करने की ज़रूरत है, हम और कोई सुविधा दे सकते हैं और किस प्रकार से हम आपके लिए सुविधाजनक अपनी पॉलिसी बना सकते हैं जिससे कि आसानी हो, जिससे काम करने में आसानी हो, आने जाने में आसानी हो। और वैसे तो परमिशन इत्यादि की हमने सब में ऑनलाइन व्यवस्था कर दी। ऑनलाइन कोई हमारे अगर फिल्म बनाना चाहता है ऑनलाइन अपना वो भेज देगा तो ऑनलाइन ही उसको जो है हम परमिशन दे देंगे, ये व्यवस्था भी हमने कर दी है। ऐसे अनेकों व्यवस्थाएं की हैं और मुझे धीरे धीरे वो सब जगह होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा, देखिए एक बार वो दहेज फिल्म आ गई कि दहेज एक प्रथा थी तो दहेज में कानून बन गया, डकैती में कानून बन गया, दूसरी चीज़ों में कानून बन गया। जो फिल्म के लोग करते हैं, फिल्म सिनेमा हमारे समाज का दर्पण है, आईना है। और इस दृष्टि से भी मुझे लगा कि आप सब लोगों के बीच में मुझे आकर अपना निवेदन करना है। बहुत ज़्यादा न कहते हुए एक बार फिर से आप सभी का मैं दिल से बहुत आप सबका धन्यवाद करते हुए और आप सबको आमंत्रित करते हुए कि 8 और 9 दिसंबर को, 8 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको वहाँ पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमको उत्तराखंड राज्य के लोगों के लिए और पूरे देश भर दुनिया भर से जितने भी हमारे इन्वेस्टर समूह, इंडस्ट्री के लोग, अन्य समूह के लोग वहाँ पहुँचेंगे, उन सभी के बीच में आशीर्वाद देने के लिए वो अभी वहाँ आने वाले हैं। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करने के लिए आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग जरूर उत्तराखंड आएंगे, उत्तराखंड को देखेंगे, जानेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। प्रशासन के लोग, मेरी जगह भी नहीं है, मेरा मंच भी नहीं है, मैं बिल्कुल यानी देवानी शादी में तकलीफ कर रहा हूँ। लेकिन हमने जब अपनी फिल्म, हमारी पहली फिल्म थी ताशकंद फाइल्स, उसमें कुछ एक सीन थे जो ताशकंद में शूट करने थे, लेकिन हमें ज़्यादा परमिशन मिली ताशकंद में, 2-3 दिन बाद हमें वहाँ से निकलना पड़ा। तो उसके भी सारे जो जिसको हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री में चीटिंग बोलते हैं, हामी साहब, वो भी नहीं शूट किए।
ट्रिलॉजी थी पूरी, उसकी टेनिशन थी, और उसके बाद कश्मीर फाइल्स के साथ क्योंकि कोविड चल रहा था, बड़ी मुसीबत थी, हम कश्मीर जा रहे थे शूट करने, दो दिन पहले सब कैंसिल करना पड़ा। तो फिर समस्या ये हो गई कि बहुत छोटे बजट की फिल्म थी, कोविड के कारण खर्चा भी काफ़ी बढ़ गया। तो फिर ये हमने सबसे पहले ये सोचा कि देखा जाए सबसे सस्ती जगह कौन सी और कोविड सेफ कौन सी जगह जहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं। ये सोच के उत्तराखंड का हमने सिलेक्शन किया। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा मैंने दो चीज़ें तो रियलाइज की कि देखिए फिल्म की शूटिंग तो कहीं भी हो ही जाती है, पेड़ पौधे पर्वत भी मिल ही जाते हैं, नदियाँ भी मिली जाती हैं, तालाब भी मिल जाते हैं, पर दो चीज़ें जो एक फिल्म की शूटिंग को एफिशिएंट और काफ़ी सुखद बनाती हैं वो है प्रशासन का विजन और प्रशासन की एफिशिएंसी, और दूसरी चीज़ है वहाँ के लोग। आपके पास अगर प्रशासन बहुत अच्छा हो लेकिन अगर लोग दखलंदाजी करें और हीरो हीरोइन को छेड़ें और भीड़ लगा लें, शोर करें, तो आजकल आप शूट नहीं कर सकते। और मैंने कई और प्रदेशों में भारत के शूट किया है, सब अपने ही राष्ट्र के प्रदेश हैं, लेकिन उत्तराखंड में दो अद्भुत चीज़ें जो मैंने देखी। एक तो जो प्रशासन पूरा का पूरा है, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मुख्यमंत्री का ऑफिस, उसके अलावा जितने लोग हैं वो सब ऐसा लगता है जैसे कि किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, बचपन में साथ पढ़े थे, या कोई घर का सदस्य है। तो वो जो एक जो विनम्रता है और जो एक इच्छा है कि हमारी स्टेट आगे बढ़नी चाहिए, वो बहुत अद्भुत है। वो और मैंने बहुत स्टेट में किया और जिसको रेड टेपिज्म बोलते हैं, लाल फीताशाही को हटा के, बल्कि मैंने तो इतने लोगों, हमारी बड़ी समस्याएं हो जाती थी, हमने कहा पूरा मसूरी का जो वो मॉल स्क्वायर है पूरा का पूरा सेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उन्हें बोले तो आज तक कभी नहीं हुआ। मैंने तो किसी ने बोला वहाँ पे थे, उन्होंने बोला कि तो फिर तो होने ही चाहिए सबसे पहले, और हमने पूरा उसको खेल के किया। कश्मीर के लोग सोचते हैं हमने कश्मीर में शूट किए, और नाटक और नाटक में बहुत आगे हैं देहरादून और दूसरे जगह। पर भारत में मैंने देखा है कि हम लोग चाहते हैं फिल्में बहुत अच्छी बने लेकिन फिल्मों पर चर्चा ना हो, और इसीलिए आप देखिए कि जो हमारे फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह भी जो होते हैं वो सिर्फ एक ग्लैमर से जुड़ते हैं, और जो एक चिंतन होता है फिल्मों को लेकर ये कोई स्टेट नहीं करती है। मैं आपको छोटे मुँह एक सुझाव देना चाहता हूँ, अगर आप उसको शुरू करवाओ जैसे लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे उस पर अकेडमिक डिस्कशन हो, चर्चा हो, एग्जीबिशन लगे, इतने हमारे पास इतना धरोहर है, मास्टर क्लासेस हो, कुछ अच्छी फिल्में दिखाई जाए, अगर ऐसा दो तीन दिन का अगर आप शुरू करें एक कार्यक्रम, तो ये आप उसमें अग्रणी बनेंगे और उससे वहाँ के जो लोकल एक्टर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, उनको भी लोगों से बात करके ये समझ में आएगा कि हम उत्तराखंड में ही काम कर सकते हैं। और आजकल जैसे दुनिया है लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो जो ये पलायन का जो आपका एक इशू है उसमें मुझे ऐसा लगता है फिल्म इंडस्ट्री के बाबत काफ़ी सुविधा होगी, और ये बाकी देश के बाकी फिल्म मेकर्स को भी काफ़ी अट्रैक्ट करेगा, और धीरे धीरे कुछ नहीं होगा तो जैसे पूना बन गया FBI से, इस तरह एक चिंतन और मनन का फिल्म जगत को लेके आप उसकी राजधानी बन सकते हैं। ये मेरा छोटा सुझाव है, ईश्वर करे आपके सारे प्रयास सफल हों। धन्यवाद। वो प्रक्रिया मुझे उम्मीद है कि आपने जो भी नया नया ताज़ा ताज़ा एकदम होश डाला है उसमें, उसमें प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए जरूर टेस्ट कीजिएगा। ये मेरी मेरे को फीडबैक दी गई थी अभी कुछ देर पहले, तो मैंने वो पहुँचा दी। हम लोग कार्यक्रम को एडिशन किया था कि जो भी पिक्चर 100-125 करोड़ के ऊपर बनती है ना, तो उसको ऐसी दो या तीन पिक्चरों को एक साल में वो लोग 10% तक भी हेल्प करेंगे। जस्ट उसकी एक सजेशन है, आप देख लीजिए। थैंक यू। अब हम लोग कार्यक्रम को अंतिम चरण की ओर ले चलते हैं। शशि जी, चूंकि दो घोष दामा फिल्म इंडस्ट्री से हैं, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी सब थोड़ी गौरवान्वित महसूस करें उनको सम्मानित करते हुए वापस से आए और उस कार्यक्रम हम लोग जनता के बीच आए। धन्यवाद। अभी भी मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे यूपा के अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज स्टेज पे आके हमारे कुछ रिस्पेक्टेबल मेंबर्स को आप प्लीज सम्मान प्रदान करें।